अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और मुंबई प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष चरण सिंह सापना ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में किसानों की निर्मम हत्या के दोषी आशीष को तुरंत गिरफ्तार करने और उन्हें भगौड़ा घोषित करने की मांग। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। शुक्रवार को कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए सापना ने कहा कि केंद्र सत्ता और बल का दबाव बनाकर तथाकथित मामले को दबाने का पूरा प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अंधा कानून चल रहा है। उन्होंने कहा कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों के नेताओं को वहां जाने से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी नेता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी को अवैध ढंग से हिरासत में रखा गया, उसके बाद अभद्र व्यवहार किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से लखीमपुर खीरी में जो घटनाएं घट रही है, पूरा देश जटिल है और पूरा देश चिंतित है कि किस तरह से 3 अक्टूबर से लेकर के आज तक पहले किसानों के ऊपर गाड़ी चलाई गई, टायरों के नीचे कुचल दिया गया, उसके बाद जो आरोपी है, जो गुनेगार है, उस गुनेगार को किस तरह से बचाया जाए, इसके पीछे सारी कवायद लगी है। सारी सरकार इसके पीछे लगी है कि किस तरह से अजय कुमार मिश्रा जो गृह राज्य मंत्री हैं देश के, और उनका बेटा मनु मिश्रा, उसको किस तरह से बचाया जाए और झूठ का पुलंदा हर रोज बाहर आ, चश्मदीद गवाह सारे कह रहे हैं कि मोनू मिश्रा वहां पर उपस्थित थे, उनकी पिस्तौल से गोली निकली जिससे किसान की हत्या हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश के डॉक्टरों का पोस्टमार्टम कहता है कि गोली लगी ही। तरह तरह के झूठ बोले जा रहे हैं, जनता को मिसगाइड किया जा रहा है, मीडिया को मिसगाइड किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार सत्ता बल, बाहुबल और धनबल के जरिए से इस सारे केस को दबाना चाहती है। भूमि पुत्र के साथ अत्याचार होता, भूमि पुत्र को रौंद दिया जाता है, और जब विपक्ष के नेता अगर उस परिवार से संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं, वहां पर जाना चाहते हैं, तो उनको भी रोका जाता है। आपके ध्यान में है कि किस तरह से प्रियंका गांधी जी को रात को 3:30 बजे पुरुष पुलिसमैन थे, कोई महिला पुलिसमैन नहीं थे, उनको 3:30 बजे डिटेन किया गया, ठीक 24 घंटे के बाद उनके ऊपर FIR भी ली गई। FIR क्या थी? 107, 116 की कलम के तहत और 151 की कलम के तहत। 107 और 116 है एबेटमेंट, वकील साहब यहां बैठे हैं। एबेटमेंट का चार्ज तो प्रियंका जी की उस विजिट पर लगता ही नहीं, और 151 में 24 घंटे से ज्यादा आप किसी को हिरासत में नहीं रख सकते। प्रियंका जी को 48 घंटे से ज्यादा हिरासत में रखा है। तो इस तरह से सत्ता बल, बाहुबल और धनबल का पुरजोर उपयोग हो रहा है। हमारे जो मुख्यमंत्री वहां पर छत्तीसगढ़ और पंजाब के मुख्यमंत्री जाना चाहते थे तो उनको जाने नहीं दिया, फिर राहुल जी के साथ जब वो जाने लगे तो सुबह परमिशन नहीं दी गई, लेकिन दोपहर को फिर परमिशन दी गई और कहा गया कि हमारी गाड़ियों में आप जाओ। प्रियंका जी को जहां पर रखा था वहां पर ऊपर ड्रोन चल रहा था, राहुल जी और हमारे मुख्यमंत्री वहां पर जाने लगे तो उनके साथ की सारी CID और सारी पुलिस फोर्स, ऐसे लग रहा था कि जैसे ये अपराध। तो उत्तर प्रदेश की इस पुलिस का और प्रशासन का और मुख्यमंत्री का हम निषेध करते हैं, और जो सच्चे गुनेगार हैं जिन्होंने किसानों पर हमला किया, किसानों को पीछे से हमला होगा, पीठ से हमला होगा, पीठ में छुरा घोंपने की बात तो हम सब ने सुनी थी, लेकिन पीठ पर से गाड़ी चला देना, ये भारतवर्ष में पहली बार देखा गया। और उसके बाद भी मोनू मिश्रा
जिनको पुलिस ने समन किया था, सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निसेंस लेने के बाद में कल दो लोगों को अरेस्ट किया गया। अगर सुप्रीम कोर्ट कॉग्निसेंस नहीं लेती तो मुझे लगता कि इसमें वो दो लोगों को भी अरेस्ट नहीं किया जाता। मोनू मिश्रा को समन भेजे गए आज सुबह 10 बजे, उसने हाजिर होना था, लेकिन मोनू मिश्रा पुलिस के पास हाजिर नहीं हुआ है। देखिए सत्ता का अहंकार कितना है। यानी उत्तर प्रदेश के मंत्री के बेटे के लिए एक कानून और पूरे देश के लिए एक अलग कानून। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने तो ऐसा संविधान नहीं लिखा। यह ऐसा संविधान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय कुमार बिस्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ ये खुद लिखे, और इसको मैं कहना चाहूंगा कि विनाश डाले विपरीत बुद्धि। रामधारी दिनकर जी की दो पंक्तियां मुझे याद है, जब नाश मुल्क पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। इस उत्तर प्रदेश की सरकार का विवेक मर गया। अंधा कानून वहां पर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का या भारतीय जनता पार्टी द्वारा दमन जारी है, कभी किसान और कभी व्यापारी की बात है। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि मोनू मिश्रा को फरार घोषित किया जाए, क्योंकि उसको समन इश्यू किए गए थे, वो हाजिर नहीं हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट में भी अभी 11 बजे के बाद केस था, फरार घोषित किया जाए और दायित्व तो बनता है उत्तर प्रदेश की पुलिस का कि उसको हिरासत में लिया जाए। और देश के गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा इन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।